अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल हो रहा है। गर्म हवा और लू की चपेट में आकर लोग बीमार हो रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में डॉक्टर लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए सलाह दे रहे हैं। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचना चाहिए, लेकिन अगर दिन में निकलना जरूरी हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। साथ ही टैनिंग और सनबर्न से बचने के लिए छतरी, टोपी और ठंडा पानी साथ लेकर निकले। शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए नींबू पानी, कैरी पना और ORS का घोल बेहतर विकल्प है। उन्होंने तबियत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी है। धूप में ना निकलें, बुजुर्गों और बच्चों को धूप लू लगने की ज्यादा संभावना रहती है। खाली पेट ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े तो छाता या सूती कपड़े पहन कर निकले, टोपी लगाएं, कंजंक्टिवाइटिस होने की संभावना रहती है तो चश्मा भी लगाएं, और सड़े गले फल नहीं खाना है और पानी बार बार पीना है। छायादार स्थान पर मरीज को रखना है और ORS पाउडर या इलेक्ट्रॉल पाउडर, जिस टाइप के जो हाइड्रेशन होता है, फलों के जूस हैं और कैरी का पना होता है जो पुराने ज़माने से पीता आ रहे हैं, तो उस तरह का सेवन भी करना चाहिए। और अस्पताल में या योग्य चिकित्सक को आसपास दिखा के उसका इलाज लेना चाहिए। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में ORS पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डरने की कोई बात नहीं है और लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है, घबराए ना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।